अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कलीम बटी डॉक्स। आज हम जो एपिसोड लेकर आए हैं वो एपिसोड 2 है। इससे पहले जो मैंने एपिसोड दिया था जिसका लिंक मैं अभी ऊपर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो था सीक्रेट एडवाइस टू बिफोर मैरिज। तो आज जो मैं डिस्कशन लेकर आया हूँ वो आफ्टर मैरिज जो टिप्स एंड हैं फ्रॉम द एक्सपीरियंस पर्सन बाय वाइफ, द ब्यूटिफुल वाइफ एक्चुअली, द वन एंड ओनली। तो शी विल बी डिस्कसिंग विद मी कि जनाब शादी के एज अ फीमेल परस्पेक्टिव, शादी के पहले साल में आपको क्या किन किन डूज एंड डोंट्स को करना पड़ेगा। तो पर्पज़ इस सारी कॉन्वर्सेशन का ये नहीं है कि आपको कि जनाब खौफनाक किस्म की एक पिक्चर पेश की जाए, लेकिन कई दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गलत पेंट की जाती हैं अबाउट मैरिज। हमारे यहाँ जो सबसे मजबूत रिश्ता और कामयाब रिश्ता जिसको आपको बनाना पड़ेगा, नेचुरली नहीं है, ख़ुद से बनाना पड़ता है, वो शादी है। अब शादी के मुतालिक हमारे यहाँ पर काउंसलिंग कोई नहीं है, शादी से पहले कोई मिस गाइडेंस ज़्यादा है या प्रीचिंग ज़्यादा है कि हम बंदे या बंदी को मिस कम्युनिकेट ज़्यादा करते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस जो आज से 10 साल पहले के हैं या 20 साल पहले के वो इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। तो वी हैव कम अप विद एन आइडिया कि हम क्यों ना एक ऐसा सेशन रखें जिसमें माय वाइफ विल गिव दी फीमेल पर्सपेक्टिव, ठीक है ना, और ये हम अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, ये हम एक न्यूट्रलिटी के हिसाब से चलना चाहते हैं। दूसरा, मैं जो गाइड करना चाहता हूँ अपने उन यंग कपल्स को जिनकी अभी शादी हुई है या होने वाली है, तो उनको फर्स्ट ईयर में क्या क्या होना चाहिए। तो पहला सवाल ये कि जी आपको पहला डू टू यू कि क्या जनाब उसको क्या करना चाहिए बिफोर मैरिज, क्या सोचना चाहिए एक वाइफ को, टू बी वाइफ जिसने फ्यूचर में बनना है, तो आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू थिंक इट विल बी अ वेरी कैंडिड। सबसे पहली जो चीज़ जो है ना आपको सारी जो लड़कियां हैं उनको अपने जहन में रखनी चाहिए कि भई आप अपनी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उनको लो रखें, ठीक है। डोंट ओवर एक्साइटेड, आप किसी ड्रीमी वर्ल्ड में नहीं जा रहे हैं, आप रियलिस्टिक रहें, ठीक है ना। आप एक नए रिश्ते से जुड़े हैं, बल्कि एक नहीं कई नए रिश्तों से जुड़े हैं, एक नए माहौल में जा रही हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों पे चुप रहना पड़ेगा। इसमें एक और बात है, जब आप कहती हैं डोंट एक्सपेक्ट टू मच, लो एक्सपेक्टेशंस रखें, गिव एन एग्जांपल ऑफ दैट वन कि जी क्या क्या हमारी सोसाइटी में एक फीमेल जो शादी हो के आती है उसकी हाई एक्सपेक्टेशंस कैसे हैं, फॉर एग्जांपल क्या वो एक्सपेक्ट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हमारे यहाँ पर आजकल की जो जनरेशन है ना वो थोड़ा सा सोशल मीडिया को आपको बताया कि वो ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो वो लाइक मूवीज़ एंड ड्रामाज़ और ये जो जितना भी ये स्टफ़ हम देखते हैं, तो एक्चुअली में उसमें जो जो भी एक सीन जो है वो लोगों के माइंड में जो एक थिंकिंग क्रिएट कर दी जाती है ना हमारी, वही एक सोच बन जाती है कि जी हम शादी के बाद जाएंगे तो एक बड़ा सा यानी कि वार्म वेलकम होगा, खूबसूरत घर होगा, छोटे छोटे लोग होंगे, यानी कि हर तरह से हम उसको ना आइडियलाइज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर हम उसी आइडियलाइज की हुई हमारी जो चीज़ें होती हैं उनको अपने रियल लाइफ में हम उनको देखना चाहते हैं, लेकिन फिर वो जब नहीं मिलती हैं तो हम जो है ना वो नाउमीदी की तरफ चले जाते हैं। मेरा इसमें मेल के लिए जो आइडिया है ना वो बड़ा सिंपल है कि ये जो मुंडे जिनकी अभी शादी होने लगती है, ये मेरा ये एक्सपीरियंस है कि शादी के पहले 6 महीने ये ओवर एक्साइटेड होते हैं, तो ये भी एक्सपेक्टेशन हाई रखते हैं अपनी मिसेज के ऊपर। तो इशू ये होता है कि मेल ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये पता नहीं, अगर हम कहें ये लव मैरिज है, वो तो लव मैरिज तो हो गई लेकिन अब उसके साथ एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो नहीं डिस्कस की जाती। शादी से पहले जो डिस्कशन हो चुकी होती है वो तो सारी अच्छी अच्छी होती है ना, प्रॉब्लम्स आर नेवर डिस्कस्ड। तो रियलिटी में जी होता ये है कि अगर वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, दोनों सूरतों में जब वो बीवी बन के आती है तो अब वो महबूब नहीं रही, ठीक है ना। तो हस्बैंड ने अब परफॉर्म करना है, पहले वो रोमांस था, पहले वो या ये कह लीजिए एक्सपेक्टेशन सिचुएशन थी, अब उसने परफॉर्म करना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें मेल को भी बाद में जब शादी के समझ आती हैं तो उसको ये लगता है कि मैंने गलती कर ली शादी, या ये उसको लगता है कि जी आई डिज़र्व बेटर अगर वो अरेंज मैरिज है मेरे तो एक जो काम मेरे मेल हजरात के लिए कि उन्होंने जब भी उनकी शादी होगी
कुछ चेंजेस शादी से पहले लेकर आए, कुछ चेंजेस फौरी शादी के बाद लेकर आने। मतलब सबसे पहली चेंज आपने ये लेकर आनी है कि शी इज़ नॉट ए हेल्पर इन योर हाउस, शी इज़ योर वाइफ। तो उसको ज़्यादा पैसे खिलाने से, चीज़ें खिलाने से, या ये बिलीव करने से, जैसे वो बताया था ना आपको, एक याद है कि एक बंदे की बात सुनी थी मर्द की, जी जो पहले साल ही जो करना है दबा के रखेंगे, वो सारी उम्र प्रेशर रहेगा, तुन के रखो। हाँ हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जी आने वाली है ना उसको बस तो डंडे दे नाल हो तो हाँ। वो तो नहीं फिरती होती है करके तो सही ना। तो एक तो ये आपने जो चेंजेस छोटी सी पहले साल के पहले साल में लेकर आनी है कि एक हैबिट बनानी है कि वंस यू आर एट होम, उसके बाद आप 10 से 15 मिनट अपनी मिसेज के साथ टाइम स्पेंड करना है आउट ऑफ द आउट। उसके लिए आपको स्पेंडिंग नहीं करनी, पैसे नहीं खर्च करने। गेट हर जॉगर्स, याद है मैंने आपको जॉगर्स लेकर दिए थे पहले शॉपिंग के तौर पे। तो पहले 15 से 20 एंड इट वाज वेरी सरप्राइज थिंग फॉर मी कि आप मुझे पहली शॉपिंग जो है वो मुझे जॉगर्स मैंने जॉगर लेकर दिए। कैन यू इमेजिन दैट, क्योंकि मेरा ये ख्याल था कि आपकी बॉन्डिंग जो है ना वो घर के माहौल के अंदर नहीं होगी, क्योंकि हर आदमी तो आपके कान लगा के सुन रहा होता है जॉइंट फैमिली सिस्टम में की खादा की ले आंदा, कितनों पाया, किधर गई किधर नहीं गई, हर चीज़ के ऊपर आपकी स्क्रूटनी हो रही होती। तो आप, मेरा पहला मशवरा ये है कि आपने पहली जो एक चीज़ अडॉप्ट करनी है शादी के फौरन बाद एज ए मेल, कि अगर आपने टाइम देना है मिसेस को तो वो टाइम आपने घर के अंदर आकर नहीं देना है, बल्कि घर से बाहर उसको लेकर जाएं, चाहे वो रोड के अपने घर के सामने वाली रोड के ऊपर 10 से 15 मिनट वॉक कर लें, वो ज़्यादा फ्रूटफुल है एज़ कम्पेयर टू कि आप उसको शॉपिंग के लिए कोई चीज़ करें। तो खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी टाइम देने की ज़रूरत। एंड 15 मिनट्स रियली वर्क्स। उसके दौरान अगर आप पुरानी हैबिट में रहें, जी मैं अपने दोस्तों की तरफ जा रहा हूँ मैं ये, तो एक तो अपने अल्फाज कैदी मत बने। अगर आपने अपनी बीवी को टाइम दिया है तो इस ये रन मुरीदी वाली बात नहीं है, ये एक्चुअली मर्दानगी वाली बात है, क्योंकि आपके अंदर भी सुनने का हौसला भी है और एक अंडरस्टैंड भी करना है। ये बात जहन में रख रहे हैं, आपके सारे दोस्त वो किसी हालत में भी खुश नहीं होंगे, सब रन मुरीद होते हैं, मानता कोई नहीं है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। मूविंग ऑन। अच्छा जी, फिर जो दूसरा टिप जो डोंट करते हैं जो वो वाला है वो आप जरा बताइए। हाँ जी, इसमें एक तो हमें जो है ना अपनी एक्सपेक्टेशंस लो रखनी है, दूसरा हमें कोशिश करना है मुसलसल एक कंसिस्टेंट रहना है, हमें एक न्यू कल्चर को अडॉप्ट करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसमें खुद को फिट करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। इसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है कि आप अपने आप को इंगेज करें, जो आपके इन लॉज के रिलेशनशिप्स हैं, जैसे आपकी सास हैं, आपकी नंद हैं, आपके जेठ जिठानी हैं या उनके बच्चे हैं, तो उनके साथ इंगेज करने की कोशिश करें खुद को, ठीक है। उनके साथ डिस्कशन करें, गपशप करें, चाय पिए, किसी भी तरह से जो बेसिकली आप ये कह रहे हैं फ्रूटफुल, जो कि आपके लिए फ्रूटफुल हो, जिनके किसी भी अच्छे तरीके से आप उनके साथ इंगेज होने। अच्छा, मैंने एक चीज़ ये भी नोट की है, अक्सर होता ही है कि जो शादी करके खवातीन आती है ना वो हमेशा अपने पुराने घर से कंपेयर, हमारे घर में तो दाल ऐसे बनती थी। हाँ बिल्कुल, नेवर एवर कंपेयर योर इन लॉज विद योर मेकअप, ओके, दिस विल क्रिएट अ ह्यूज ट्रबल इन योर लाइफ, ठीक है। ये सोचना कि जी लो जी हमारे घर में तो फलानी चीज़ ऐसे नहीं पकती थी, यहाँ पे ऐसे क्यों पक रही है, हमारे घर में ये नहीं होता था, यहाँ पे क्यों हो रहा है, हमारे घर में 9 बजे सफाई हो जाती थी, यहाँ पे 12 बजे तक गंद पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये चीज़ें जब आप कंपेयर करना शुरू कर देंगे तो आप खुद को उस कल्चर में एडजस्ट कर ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश ये करनी है कि आप जिस जगह से आई हैं वहाँ की अच्छी चीज़ों को यहाँ पर यानी कि प्रैक्टिस करने की कोशिश करें, लेकिन इम्पोज ना करें, ठीक है ना। तो यहाँ की अच्छी चीज़ों को अपनाने की कोशिश करें, ठीक है ना। और अगर आप चाहती हैं कि कुछ चेंज आए, यानी कि अगर आपको कोई अच्छा चेंज आप लाना चाह रही हैं, तो वो टाइम के साथ साथ आएगा, वो जाते ही उसको यानी कि वो बम्बार नहीं करना कि मैं आ गई तो मैं जनाब इस तरह का वो करने की ज़रूरत नहीं है कि जी अब मैं बस आ गई हूँ तो अब ये नहीं होगा, वो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बेसिकली आप ये कह रही हैं कि थोड़ा सा हम्बल रखें, डाउन टू अर्थ रखें अपना बिहेवियर। बेसिकली आप कह रही हैं कि अपने जो भी आपके आइडियाज़ हैं उनको जाते इम्पोज करने की कोशिश ना करें। जो हो रहा है अगर उसमें गलत भी हो रहा है उस कल्चर के अंदर, उसको अंदर गलतियां निकालने की बजाय उसके साथ फिलहाल एडजस्ट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। अगर आप इम्पोज करेंगी ना तो आप कैसे ही रही होंगी लेकिन मुखालफत ले लेंगी, बिल्कुल
ठीक है ऐसे ही ना, है, और वो एक आपका ऐसा इमेज तैयार हो जाएगा कि यार लड़ाकी है, कपत्ती है या अछती है, बिल्कुल ऐसे वो सारी उम्र उनमें जा आपको वो जान छोड़ा। अच्छा, मेरा ये एक और टिप है फॉर मेल कि आपने जो भी बिफोर मैरिज लाइफ थी उस चैप्टर को अपनी वाइफ के साथ ज़्यादा डिस्कशन में नहीं लेकर, ठीक है ना। आपका देखिए, शादी से पहले आपका घर वालों से, भाइयों से, भाभियों से, बहनों से और तरीके का रिलेशनशिप था, उसमें फ्रैंकनेस भी होती, फ्रेंडलीनेस भी होती। तो शादी से पहले ही थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व करना शुरू करें, इस सेंस में कि जी आपने हर चीज़ करेक्ट नहीं करनी घर के अंदर। अगर आप घर में बड़े हैं तो आपने भी इम्पोज नहीं करना जी, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। उसका इम्पैक्ट क्या होगा, आपकी मिसिज भी वही हाथ पे लेकर जाएगी। अगर आप में इम्पोजिंग पोजीशन में हुए बड़े हुए घर पे, तो वो भी इम्पोज करना शुरू करेंगे, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे। तो आपने जो छोटी छोटी आप बातें नोट करते हैं, करेक्शन करते हैं, कीड़े निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये टॉन्टिंग रिमार्क्स देते हैं, ये नहीं बिल्कुल देने, बिल्कुल ठीक है ना। मिसेज के अंदर कमियां आपने तलाश नहीं करनी है, बल्कि जो आपकी मिसेज हैं, जो मिल जाए उसमें खूबसूरती तलाश करनी है, ठीक है ना। बाकी जितने भी रिलेशनशिप होते और हैं, ऐसा तो सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, ऐसा तो हमारे दीन में भी हमें यही तालीम दी गई है कि अपने जो आपका जो भी आपका सोलमेट है, आपका जो भी पार्टनर है, आप उसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको उसकी 9 आदतें जो नापसंद हों, लेकिन अल्लाह ताला ने उसमें कुछ आदतें ऐसी भी रखी होंगी जो आपको पसंद आएंगी, तो उन 9 आदतों को छोड़ के उन 2 आदतों को यानी कि अच्छा समझें जो उसको जो जो खूबियाँ अल्लाह ताला ने उसमें दी हैं, अच्छा ठीक है ना। वैसे, क्योंकि जब अच्छा आप अच्छाई ढूंढेंगे तो ऑटोमेटिकली आप पॉजिटिव सोचेंगे उसके मैं बारे में। एक जो मज़े की बात है जो मैं आपसे अभी एक सवाल करना था, वो द बिग सोशल प्रेशर, सॉरी माइक ख़राब कर दिया आपने, बिगेस्ट सोशल प्रेशर जो एक न्यूली मैरिड कपल के ऊपर होता है, बिकमिंग पेरेंट है, बिल्कुल तौबा तौबा, बंदे नू दुनिया पूछ रही थी, हाँ भाई दस भाई हर स्पेशली बंदे, हमारी ठीक जो है ना। खवातीन और होती है ना, खवातीन के एम परस्पेक्टिव भी से थोड़ी तो कहा जाता है, वो कहते हैं कि एक खातून ही खातून की सबसे बड़ी दुश्मन दुश्मन होती है, तो होती। वो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है ना हमेशा खवातीन की तरफ से ही क्रिएट की जाती हैं। तो एक आपको ये बात हम एज ए कपल दोनों ही आपको अपने तरीके से कह सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको ये बातें पूछी जाएंगी और हर रोज़ पूछी जाएंगी। इस पे चिढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस पे उलझने की ज़रूरत नहीं, ये मर्द की परफॉर्मेंस का टेस्ट नहीं है, ये बात जहन में रखें, ठीक है। ये कोई विक्ट्री नहीं है, ये ट्रॉफी नहीं है कि जी पहले साल अगर इस पेरेंट ना बने तो कयामत आ जाएगी। दिस इज़ आई वुड से बुलशिट। प्रॉब्लम क्या होती है कि आप पहले मैरिज हुई है फिर पेरेंट होंगे ना, तो पहले मैरिज को तो डेवलप कर लें। तो अगर आपके 6 मंथ्स, 1 ईयर, अगर आपके आफ्टर मैरिज अगर यू हैव नॉट बिकम पेरेंट, इवन 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, आप दोनों को, मेरा ये ख्याल है, ये सोशल प्रेशर को दोनों को आपस में डिस्कस करके ही इस चीज़ को रद्द करना है। अब फीमेल को अच्छा, क्या करना चाहिए इस वैसे? इस बात पे ना ये है कि थोड़ा सा जो एक रोल है ना वो हस्बैंड को प्ले करना चाहिए कि अगर आप इनके प्लान कर रहे हैं कि आप आफ्टर 6 मंथ और आफ्टर 1 ईयर जो है वो बेबी अपना प्लान करना चाहते हैं और इनिशियली आप ये नहीं चाह रहे हैं, तो हस्बैंड की थोड़ी सी इसमें यानी कि कंट्रीब्यूशन ये होनी चाहिए कि वो जैसे अगर सास हैं या कोई भी है जो घर में यानी कि इस तरह की कोई विश का इजहार कर भी रहा है, तो उसको थोड़ा सा यानी कि पॉजिटिव वे में अपना मैसेज जो है ना उन तक पहुंचाए, ताकि उसकी वाइफ पे जो है वो प्रेशर ना आए, अननेसेसरी प्रेशर ना आए, ठीक ठीक है। है ना। क्योंकि लेकिन वो इसमें ज़रूरी तो नहीं, अब देखे ना कई तो होती हैं जो जो लड़की है उसकी अम्मा ही पूछती रहती है, हाँ जी कदों जी, कितना जी, को नहीं, वो मसला हमारी जी, सोसाइटी का एक नॉर्म है, ठीक वो है ना। क्योंकि उनको आप फियर रहता है ना इस कि घर में हाँ आप लड़की उस इसको वक्त ख़त्म तक। नहीं कर सकते हैं हाँ, लेकिन ये है कि आप जारी बात है हमारी आने वाली जनरेशन समझदार है, एजुकेटेड है, अब सोशल मीडिया ने बड़ी अवेयरनेस क्रिएट कर दी है, तो अब लोगों को बच्चे जो है ना बात करने से झिझकते नहीं है, ठीक है ना। तो आप यानी कि एज अ न्यूली मैरिड कपल आप इजीली अपने जो घर वाले हैं उनसे इस बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि अब तो यानी कि पहले इन चीज़ों के बारे में एक पर्दा होता था, एक झिझक होती थी, लेकिन अब तो यानी कि मेरे ख्याल में हालात काफ़ी बदल गए हैं जो अच्छा, हमारी मेरे न्यू मेरा ये जनरेशन ख्याल है, आई है। ये भी एक कन्फ्यूजन है
जो यंग जनरेशन है वो तो है, लेकिन जो उससे पहले वाली जनरेशन है ना, जिस मतलब जो सास ससुर या नंद जो हैं, वो अभी भी पुराने दौर के अंदर हैं, वो अभी भी अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन ना मदर के जो फियर होता है अपनी बेटी के मुतल्लिक, ये बसेगी तब जब तक ये पेरेंट नहीं बनते। वो इसलिए होता है कि हमारी सोसाइटी ने इसका स्टैंडर्ड ही यही फिक्स कर दिया है। कामयाब शादी का हमारे नज़दीक ही एक ही स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड हाँ ठीक है ना। हम लोगों के दरमियान, हम लोगों के नज़दीक हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा, उनकी कंपेटिबिलिटी से ज़्यादा, और इस चीज़ से ज़्यादा कि वो बहू जो है वो घर को कैसे मैनेज कर रही है, रिश्तों को कैसे मैनेज कर रही है, इन सब से बढ़ कर एक नॉर्म सेट कर दिया गया है कि जी अगर यानी कि आपकी फैमिली जो है वो बढ़ रही है तो मतलब ये है कि मैरिज सक्सेसफुल है, अदरवाइज उसमें कोई ना कोई मसला है। अच्छा, वैसे इसमें ना मेरे मेरा एक मानना ये है कि आप जब इस तरह के सोशल प्रेशर में होते हैं ना, पहले मेरा ये ख्याल है कि अगर आप अच्छी मियाँ बीवी नहीं बनेंगे तो आप अच्छे पेरेंट भी नहीं बनेंगे, है ना। तो आपको पहले अच्छे मियाँ बीवी बनना है, अच्छे नहीं मतलब परफेक्शन नहीं मैं कह रहा हूँ, एक इतनी अंडरस्टैंडिंग हो। और इसके लिए एक टिप मैं आपको लड़कों को देना देना चाहता हूँ कि भाई बहस आपकी होनी, आपके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर आपके ऊपर होना है, और आपने मिसेज का भी जो प्रेशर है वो भी आपने टेकअप करना है। हमें मुझे ये गाइडेंस किसी ने नहीं प्रोवाइड किया, लेकिन हम आपको ये गाइड कर रहे हैं, मैं आपको लड़कों को ये गाइड कर रहा हूँ कि आपको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो प्रेशर इनकम का भी होगा, वो घर के जो मसाइल हैं, एक दूसरे की तानाशानी है, जो वही जो टिपिकल लड़ाइयाँ होती हैं, बिल्कुल वो सारी बिल्कुल बिल्कुल, बातें, इसमें ये ठीक है ना, यही वो यही एक आपको वो बर्दाश्त बात करना है, सही बात है। जिस आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना छोड़ना पड़ेगा, पड़ेगा। हाँ ठीक है ना, चाहे आप हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, वट हाँ एवर, आप इस सारे माहौल को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर, बहुत सी ऐसी अच्छा, हैबिट्स हैं चलिए जिनको कंफर्ट आपको जोन की चेंज अब करना बात करते हैं, पड़ेगा। कंफर्ट जोन की बात करते हैं। देखिए आप ये, अब प्रॉब्लम मैं एक मसला बताता हूँ, अक्सर कंप्लेन क्या होती है, जैसे सुबह उठती है हाँ बिल्कुल, यही न्यू ना, जो न्यूली वेड कपल है उनके लिए तो सबसे बड़ा ताना इनके शुरू शुरू में यही होता है कि तो ये उसका टाइम से सोल्यूशन नहीं। क्या है, व्हाट शी शुड डू। उसको कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलना है, दैट मींस शी हैज़ टू बेयर विद दैट वन। उसको जब हस्बैंड घर पे वापस आए तो व्हाट शुड बी द रिस्पॉन्स, ये आप बताएंगी एज ए फीमेल क्या होना चाहिए। और जब वो मतलब सुबह को अगर उसने जॉब पे जाना है तो या काम पे जाना है, उसके घर का कल्चर क्या है, वो ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबिलिटी आपको लेकर आने जाहिर देगा। बात है अगर आपके हस्बैंड जो हैं वो जॉब करते हैं और उनको सुबह जाना है, उनको जाहिर बात है आप अब आप आ गई हैं तो ये अब आपकी सास की या किसी की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उनके कपड़ों को तैयार करें या उनके लिए खाना नाश्ता तैयार करें या उनको यानी कि जॉब पे जाने के लिए उनको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, इनको उनको अच्छे तरीके से सी ऑफ करें, ये आपने ही करना है, अच्छा, आपने एक बात ठीक है ना। बताई थी, मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, वो मैं यहाँ पे करना इसलिए ज़रूरी है, ये आप शादी के बाद जब आप अनकंफर्टेबल होंगे ना, शादी से पहले अनकंफर्टेबल हो जाए, व्हाट आई मीन टू से कि सुबह उठना शुरू कर दें, बिटाइमा लेट नाइट स्लीप्स ख़त्म कर दें। मैरिज के ऊपर आपको वर्क करना पड़ता है, ये नेचुरली नहीं ग्रो होती, बिल्कुल इसको पालना पड़ता है। तो उसके लिए आपको पहले, जैसे पेपर से पहले आपने सक्सेस से पहले कुछ तैयारी करनी है कि नहीं, बिल्कुल तो इसी तरह से मेल और फीमेल दोनों को तैयारियां करनी पड़ती हैं। हमारे सैडली क्या, फीमेल कपड़ियां की तैयारी कर जाती है, ठीक है, मुंडा दवाइयां खान तो पड़ता है, दिस इज व्हाट इट इज, बट दैट्स नॉट व्हाट मैरिज इज। तो आपको शादी से पहले कुछ ना कुछ फीमेल को और मेल को अपनी आदत को बदलना है। बस मेल को एक टिप देता जो, भाई नो मोर लेट नाइट आउट, आप जो 12-12 बजे तक अपने दोस्तों के साथ, पहले बता दें उनको भाई शादी के बाद ये नहीं होगा, क्योंकि ये जो दिन है ना, फर्स्ट 6 मंथ्स एंड 1 ईयर, सर ये दोबारा नहीं आने। जब आप पेरेंट बन गए ना, यू विल बी लॉस्ट इन दैट। तो आई बिल्कुल होप इट वर्क्स। एनी फाइनल थॉट ऑन दैट वन, इफ यू वांट टू से समथिंग ऑन इट। अच्छा जी, अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है ना, आप स्पीक लेस एंड लिसन एंड ऑब्जर्व मोर, ठीक है ना। अपने अंदर पॉजिटिव थिंग्स जो है ना उनको एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें। आपके इन लॉस में जो भी आपको चीज़ें जो हैं, अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नागवार भी गुजरेंगी, जस्ट खामोश रहे, हाँ
उनको उनके ऊपर खामोश रहें, खामोशी सबसे अच्छी यानी कि आप कह रहे हैं कि एडजस्ट, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। हाँ जी, उसकी प्रैक्टिस करनी, ये आप अपनी शादी से पहले प्रैक्टिस करेंगे घर के अंदर, एकदम से ये नहीं होगा, लेकिन आप कंसिस्टेंटली इस पे वर्क आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आप कभी भी किसी के पॉइंट ऑफ व्यू पर उसको आर्ग्यू नहीं करें, और किसी के किसी पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना वो इम्पोज करने की, मतलब इम्तिहान में ना डालें, टेस्ट ना करें, ना खुद इम्तिहान ना दूसरे को डालें, ना खुद इम्तिहान में डालें। मतलब कहने के ये कि हमारे यहाँ सोसाइटी में फीमेल हो या मेल हो, वो एक दूसरे को ना आजमाते रहते हैं कि मैंने इन्हें काम क्या ना देखिए, इन्हें नहीं करना। मतलब वी पुश आवर सेल्फ कि हम दूसरे को फेल, ठीक है ना, उसको नहीं करना। अगर उसको खाना बनाना नहीं आता तो डोंट टेस्ट दैट पर्सन, ठीक है ना। अगर वो उसको चीज़ें बोलती हैं या वो बात सही तरह से नहीं घर वालों से कर सकता मेल, डोंट पुश हिम टू डू दैट। उसको टेस्ट ना करें कि तू फेल होएगा, मुझे तो पता था। एंड ऑफ द डे इट विल हर्ट यू इवेंचुअली। क्या होता है, ह्यूमन नेचर है, जब आप किसी बंदे को बार बार किसी चीज़ से चिढ़ाते रहते हैं उसकी जिद बन जाती है, ठीक है ना। तो किसी मेल हो या फीमेल हो, जिस चीज़ के ऊपर उसको थोड़ा सा वर्क हार्ड करना पड़े, मुश्किल आती हो, फंस रहे हो या आर्ग्यूमेंट डेवलप हो रहा हो, तो दोनों में से एक आदमी पीछे हट जाए, अगर खामोश हो जाए, हाँ, खामोशी सबसे बेहतर है। इम्पोज करने जब जाएंगे ना, दूसरा आदमी अपनी हैसियत मनवाने की वजह से वो क्लैश में चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसकी प्रैक्टिस बिफोर मैरिज करें, फर्स्ट ईयर ऑफ मैरिज। अगेन लेट मी रिमाइंड यू द बेसिक टिप फॉर मी मेल, जनाब अली, आपने सबसे पहले वॉक 15 मिनट्स की डेली वॉक, कोई पैसा नहीं खर्च करना, कोई बर्गर शर्गर बड्डे नहीं खिलाने, ठीक है ना। नहीं अगर कभी वो फरमाइश करते तो खिला, अगर आप अफोर्ड करते हैं। देखिए ये उनके लिए नहीं है कि जिनके पास बड़े पैसे होंगे। दूसरी बात ये फीमेल के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है, योर हस्बैंड विल नेवर गो आउटसाइड और कहीं भी नहीं जाएगा इफ यू ग्रीट हिम। अगर आप उसके लिए घर के अंदर ये मौका फराहम करें, व्हाट ही हैज टू कम टू, मतलब वो घर पे क्यों वापस आएगी बिकॉज ऑफ योर बिहेवियर। अगर उसको घर में आकर तकलीफ होती है तो ही वॉन्ट टू स्टे आउटसाइड, ठीक है ना। सिमिलरली फॉर फीमेल, एनी फाइनल वर्ड्स? फाइनली जो इन शॉर्ट जो यानी कि आपको मैं कहना चाहूँगी वो यही है कि टेक योर टाइम एंड गिव हिम टाइम, ठीक है। खुद भी वक्त लें चीज़ों को समझने में, सीखने में और इम्प्लीमेंट करने में, और उस बंदे बेचारे को भी टाइम दें भाई। आखिर को वो भी आप उसकी ज़िंदगी में आई हैं, उसकी जिंदगी जैसे आपकी ज़िंदगी में एक नया चेंज आया है, उसकी ज़िंदगी में भी आया है, उसको भी टाइम दें कि वो आपको समझ सके, ठीक है ना। आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा तो आपकी आदतों को समझेगा, आपके लाइक डिसलाइक को समझेगा, ठीक है ना। तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा एक दूसरे को वक्त दें, और अपने हस्बैंड को प्रायोरिटी दें हर एक चीज़ पर। यानी कि अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग में आपको बहुत ज़्यादा वो हैबिट है तो इस चीज़ को कंट्रोल करें भाई। आपका हस्बैंड अगर बाहर से आया है, वो आपके पास बैठा है, आपसे बात कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि आप अपने मोबाइल में डूबी हों, स्क्रॉलिंग कर रही हों, और वो बेचारा देखे कि वो कब बेगम साहिबा फारिग होंगी और कब वो उनसे बात करें, ठीक है ना। तो अगर आप ड्रामे की शौकीन है तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये सब कुछ करें, ज़रूर करें, लेकिन इसको एक लिमिटेशन में ले आए, ठीक है ना। प्रायोरिटी अपनी रिलेशंस को दें, उन रिलेशंस को जिनके साथ आपने अभी जिंदगी गुजारी। ये जो टिप है, दिस इज द एपिसोड नंबर 2। हम अगले वाली एपिसोड में आफ्टर मैरिज जब हमारे बीइंग अ पेरेंट हो जाते हैं, डूज एंड डोंट्स पे बात करेंगे। कुछ आपके कमेंट्स, वी वुड वेलकम दैट, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। फाइनल थॉट ऑन दैट वन, ये जो शादी है इट्स नॉट अ कॉम्पिटिशन टू बीट ईच अदर, एक दूसरे से मुकाबलेबाजी नहीं, और ये कोई मुसीबत भी नहीं है। बिल्कुल जैसे ये हमारे बुजुर्ग पुरानी कहावतें हैं जी, शादी एक लड्डू है, जो खाए वो पछताए, जो ना खाए। तो मैरिज जो है ना वो कोई एक मुसीबत या कोई ऐसा आजमाइश नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप तालीमात देखें तो हमारे हदीस में ये मफहूम आता है कि निकाह में बरकत रखी गई है। बरकत क्यों कहा गया है इस रिश्ते को? इसीलिए कहा गया है कि अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को खूबसूरत वे में बनाया, ठीक है ना। अगर इस चीज़ की ज़रूरत ना होती तो कभी भी निकाह का रिश्ता जो है वो कायम ही ना किया जाता। तो अब फाइनल थॉट, आई एम श्योर बहुत लंबी गुफ्तगू हो गई है, हम ये चाहते हैं कि बेसिकली किसी एक मेल या फीमेल की कुछ जहन को क्लैरिटी हो जाए,
कुछ वो अगर इसके अंदर थोड़ी सी चेंज लेकर आ जाए अपने रवैये में, दे कुड हैव अ बेटर मैरिड लाइफ। क्योंकि यहाँ पर कोई एजुकेशन नहीं है, कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई स्कूल, कोई बुक नहीं है, वही पुराना सिस्टम चल रहा है, जिसकी वजह से हमारी फैमिली लाइफ बहुत ख़राब होती है। और अवॉइड ड्रामे, क्योंकि उसमें पहले किस्त थी, मेरा बेगम उसे यही ड्रामे दे दे के खुद ही ड्रामे करने शुरू कर देते हैं, उसमें पहली किस्त में तलाक शुरू हो जाती है। हाँ बिल्कुल, सो अवॉइड दैट। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।